ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3। तो पहला काम पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज अ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, दिस इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन ना। प्रॉपर रेशनल फंक्शन ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से क्या होती है, कम। आप इसको क्या लिखेगा a, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकता है कि नहीं, किस टर्म को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। अब आप लिखेगा a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x माइनस 1, और बेटा इसको अगले को क्या लिखेगा, c अपॉन 2x प्लस 3। ए बी सी तीनों की वैल्यू अब आप देखें कैसे करेंगे, कंपेयर कराएंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू, ये नीचे वाले सब कैंसिल हो जाएंगे, a x माइनस 1 2x प्लस 3 और b x प्लस 1 2x प्लस 3 बट आई सी सी x प्लस 1 x माइनस 1। अब आप क्या करेगा, इसको कंपेयर कराएगा, जल्दी से देखें 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर x का मल्टीपल हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस 2x, तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x, 3x माइनस 2x इज x, अरे हो जाएगा माइनस 3। बेटा ये हुआ अगला b, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये x का 3x, 3x और ये इसका तो 5x प्लस 3 और ये c हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर है। अब आप क्या करेगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ लिखेगा और x को x के साथ लिखेगा, तो x स्क्वायर 2a, x स्क्वायर 2a और अगला क्या हो जाएगा 2b और दिस इज c। अगला बेटा x को क्या लिखेगा, x x को लिखेगा a a और इसको क्या लिखेगा a और यहाँ लिखेगा 5b a 5b और कुछ नहीं लिखेगा a दिस इज 5b। अब लिखेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या माइनस 3a माइनस 3a 3b यही है माइनस 3a 3b और क्या हो जाएगा बेटा माइनस c इसका मल्टीपल। अब आप इसको इक्वेट कर देगा बेटा जल्दी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, 2a 2b 2c इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या लिखेगा इधर देखें a प्लस 5b इक्वल टू 2 बेटा a माइनस 3a 3b माइनस c इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3a प्लस 3b माइनस c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3a प्लस 3b माइनस c इक्वल टू माइनस 3a। ठीक है, अब आप बेटा ये 3 वेरिएबल है, 3 को 2 में कन्वर्ट करना, बस ये a प्लस b ये तो 2 वेरिएबल है तो ये अब कैसे कन्वर्ट करें बस ये इंपॉर्टेंट है। आप बेटा इसकी वैल्यू c की वैल्यू क्या लिख सकते हैं माइनस 2a 2b और ब्रैकेट क्लोज्ड लिख सकते हैं ना। अब इस c की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें तो ab के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो माइनस 3a प्लस 3b और c की जगह क्या माइनस 2a प्लस 2b। बेटा ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 3a प्लस 3b ये क्या हो 2a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 यही होगा, आपने बस सी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी, ठीक रहेगा। अब इसके बाद क्या सॉल्व होगा ये देखें, ये हो जाएगा माइनस सी और ये होगा 5b और ये होगा माइनस 3, दिस इज इक्वेशन 1 और बेटा दिस इज इक्वेशन 2। अब आप सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बेटा अगर फर्स्ट एंड सेकेंड आप सॉल्व करेंगे तो जरा देखें क्या होगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है माइनस ए प्लस 5b इक्वल टू माइनस 3, माइनस ए प्लस 5b इक्वल टू माइनस 3 यही ना। और बेटा अगली सेकेंड इक्वेशन देखें, सेकेंड इक्वेशन है a a प्लस 5b इक्वल टू 2, बेटा इसको ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10b हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस 1, तो b इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 10।
बी की वैल्यू माइनस वन बाई टेन आ गई तो बेटा माइनस ए प्लस फाइव बी इक्वल टू माइनस थ्री, दिस इज इक्वेशन वन। पुट कर दें तो माइनस ए फाइव माइनस वन बाई टेन दिस इज माइनस थ्री, ये कैंसिल होकर टू हो जाएगा तो माइनस ए और ये क्या हो जाएगा वन बाई टू माइनस थ्री, ये होगा माइनस वन बाई टू और ये माइनस थ्री, यहाँ ए वन बाई टू आएगा प्लस हो जाएगा और इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा, सिक्स माइनस माइनस सिक्स प्लस वन इज माइनस फाइव अपॉन टू, तो ए इक्वल टू फाइव बाई टू, ए इक्वल टू फाइव बाई टू, ए इक्वल टू फाइव बाई टू एंड बी की वैल्यू आ गई। अब बेटा बात रही सी की, बात रही सी की, और सी का एक रिलेशन भी मैंने निकाला था, क्या सी इक्वल टू, सी इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ए प्लस बी। अब बेटा ये माइनस टू, ए की वैल्यू माइनस वन बाई टेन, बी फाइव बाई टू, अब आप इसका एलसीएम फाइव आ जाएगा तो कितना ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव ए ट्वेंटी फाइव होगा तो माइनस वन ट्वेंटी फाइव अपॉन कितना हो जाएगा टेन, ये होगा और एलसीएम इज टेन देन फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव ये माइनस वन ये ट्वेंटी फोर हो जाएगा और ये फोर्टी एट हो जाएगा अपॉन टेन, इसको सॉल्व फाइव और ट्वेंटी फोर तो सी की वैल्यू आएगी माइनस ट्वेंटी फोर बाई फाइव माइनस ट्वेंटी फोर बाई ए बी सी ये वैल्यू आ गई। अब जरा देखें ठीक है बेटा, आपने ए बी सी निकाला और इसको किसमें पुट कर देना है इसमें, तो अब जल्दी से पुट करें और एक झटके में आंसर, ए का वैल्यू क्या फाइव बाई टू, फाइव बाई टू अपॉन एक्स प्लस वन। बेटा बी का वैल्यू क्या निकाला था माइनस वन बाई टेन माइनस वन अपॉन टेन बेटा, और ये वैल्यू है एक्स माइनस वन। बेटा ये सी, सी की वैल्यू क्या लिखेगा, सी इज अ माइनस ट्वेंटी फोर बाई फाइव माइनस ट्वेंटी फोर बाई फाइव टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री, और इसको पूरा का ब्रैकेट मारें और डी एक्स कर दें और एक झटके में आंसर देखें। अब आप ये वन बाई टू, ये फाइव बाई टू, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन, ये कॉन्स्टेंट बाहर प्लस और माइनस माइनस, वन बाई टेन कॉन्स्टेंट बाहर हो जाए लॉग एक्स माइनस वन। बेटा ये प्लस और माइनस ट्वेंटी फोर बाई फाइव, ट्वेंटी फोर बाई फाइव हो जाएगा लॉग टू एक्स प्लस थ्री, और बेटा ये लीनियर फंक्शन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज टू, सो टू का डिवाइड कर देते हैं प्लस सी। मैं इसको टी इसलिए नहीं लिया, बहुत गंदगी हो जाएगी, ऑलरेडी टू मच कॉम्प्लिकेटेड, मतलब लेंथी क्वेश्चन है, ये छोटा छोटा आपको आना चाहिए। अगर लीनियर फंक्शन है उसका उसको इंटीग्रेट करता है उसके कोफिशिएंट का डिवाइड करता है इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, जिस तरह डी वाई डी एक्स मल्टीपल होता था, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ट्वेल्व, तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व बाई फाइव, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है ओके ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स और ब्रैकेट में एक्स की पावर एन प्लस वन इन टू डी एक्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेगा। बेटा आप ये बहुत ध्यान से देखें, आप इसको जो नीचे का इसको क्या ले लेंगे आप टी, इसको क्या लेंगे एक्स की पावर एन प्लस वन इक्वल टू क्या ले लेंगे टी, इसको मैंने टी क्यों लिया जरा ये देखें, या एक्स की पावर एन को क्या ले लें टी। बेटा ये टी क्यों लिया जरा देखें, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स और ये टी प्लस वन डी एक्स, ठीक है क्योंकि यह मोर देन वन टर्म आ रहा है वो भी प्लस में आ रहा है, आपको सिंगल टर्म बनाना है इसलिए ऐसे किया, वन अपॉन एक्स भी आ रहा है तो उसे डरने की जरूरत नहीं, हो सकता है कि ये टर्म डिलीट हो जाए कुछ और हो जाए, तो देखें डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसकी पावर ज़्यादा होती है आप टी उसको ही मानते हैं, ये एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स डी टी और एक्स एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई एन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये ऊपर क्या आ रहा है एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई एन, तो आप इसको क्या करें यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकता है डी एक्स इक्वल टू डी टी एन एक्स एन माइनस वन,
ये लिख सकता है, तो डी एक्स की वैल्यू क्या देख दे, डी टी एन एन एक्स एन माइनस वन, और बेटा ब्रैकेट बंद, और एक्स टी प्लस वन, ठीक है। अब आप इसके आगे क्या करेंगे बेटा, ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा डी टी, और इसको आप लिख दे पावर ऐड, तो एक्स की पावर एन हो जाएगी, और बेटा इसको क्या लिखेंगे, एन इज अ कॉन्स्टेंट बाहर निकालेंगे, होगा टी प्लस वन, ठीक है। और x की पावर n को क्या लिख सकता है आप, x की पावर n को इधर t और t ब्रैकेट में t प्लस वन डी टी। अब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देगा, अब आप इसका क्या कर देगा, पार्शियल 1 अपॉन t और 1 अपॉन यही है ना, इसको आप लिख सकता है a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस वन। बेटा ए और बी की वैल्यू बेटा ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए टी प्लस वन और बी टी और ई ना बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा। तो आप कंपेयर कराएंगे तो इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है बेटा, ए इक्वल टू बना गया और बी प्लस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, तो ए इक्वल टू माइनस बी, तो बेटा ए की वैल्यू वन तो बी की वैल्यू माइनस वन, तो ए वन एंड बी माइनस वन, बस आप इसमें पुट कर दें और देन यू गॉट आंसर। तो वन अपॉन एन ये वन अपॉन टी टी प्लस वन डी टी, यही है, इसकी जगह वैल्यू रखेंगे वन अपॉन एन, और बेटा ये इंटीग्रेशन ऑफ ये ए वन अपॉन टी और बी की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस वन अपॉन टी प्लस वन इन टू डी टी, और बेटा इसको सॉल्व करेंगे ये लॉग टी, और बेटा ये हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस वन, बेटा टी की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन एन, और बेटा ब्रैकेट में लॉग टी की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स की पावर एन माइनस लॉग एक्स की पावर एन प्लस वन ब्रैकेट वन प्लस सी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देखा मैं डायरेक्ट ये बस ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है वन और बी की वैल्यू माइनस वन, मैंने वन और माइनस वन रख दी, ये लॉग टी ये माइनस लॉग टी प्लस वन, और टी की वैल्यू एक्स की पावर एन मैंने रख दे, और दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगर बेटा ये आ गया तो आप अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स इन टू ब्रैकेट में टू माइनस साइन एक्स, इसमें कॉस एक्स किसका डिवाइडिक्स दिख रहा है, साइन का, तो आप साइन एक्स को क्या ले लेंगे, टी, बस इतना सा काम करना है, और डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो अगर बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेगा तो बेटा ये क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा कॉस एक्स इन टू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन वन माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा टू माइनस टी, यही ना, और इसको आप सॉल्व करेगा तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वन माइनस टी, अगेन देखें इधर ये वन माइनस टी, और बेटा इसको क्या लिखेगा, इसको क्या लिखेगा टू माइनस टी, और ए अपॉन वन माइनस टी बी अपॉन टू माइनस टी, ठीक है, और इसको सॉल्व करेगा ए ए टू माइनस टी और बी वन माइनस टी, ठीक है, और ए टू ए माइनस टू टी, टू ए माइनस टू टी प्लस बी माइनस बी टी, ठीक है, बी माइनस बी टी और टू ए माइनस टू टी, सॉरी टू ए माइनस ए टी हो जाएगा, ये मैं सोच रहा था कुछ गलत है, ए का मल्टीपल होगा तो टू ए ए टी, और अब बेटा इसको कंपेयर करा देगा तो एक कॉन्स्टेंट क्या है, टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी इक्वल टू वन, टू ए प्लस बी इक्वल टू वन, और अगली वैल्यू बेटा क्या आएगी इससे, ए टी और टी का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो माइनस ए माइनस बी इक्वल टू क्या है बेटा, जीरो, तो माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, और इसकी वैल्यू रख दें ए की वैल्यू माइनस बी, तो ए माइनस टू बी प्लस बी इक्वल टू वन, तो ए माइनस बी इक्वल टू वन, तो ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, b की वैल्यू माइनस वन एंड a इज अ वन। अब आप बेटा इसको जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे इसमें और आंसर, तो आंसर देखिए बेटा a वन अपॉन वन माइनस टी और b की वैल्यू क्या रखेगा माइनस वन अपॉन टू माइनस टी,
और इसको ब्रैकेट के अंदर और डी टी हो जाएगा, तो बेटा ये लॉग लॉग वन माइनस टी, और बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग टू माइनस टी प्लस सी। दिस इज योर आंसर। बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लॉग लॉग वन माइनस टी, टी क्या हो जाएगा बेटा साइन एक्स, माइनस लॉग लॉग टू माइनस साइन एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर ये समझ आ गया तो आप देखें, आप अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया, बस थोड़ी सी इसमें कमी है। कोई बता सकता है क्या है बेटा कमी? ये है कि इसका वन अपॉन लॉग वन अपॉन वन माइनस टी का होगा लॉग वन माइनस टी। बेटा एक कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है माइनस वन, तो माइनस वन का डिवाइड होगा इसमें भी और इसमें भी, तो बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस यहाँ आ जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे, तो बेटा ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस बचता। बेटा मैं ये जानबूझ के इसलिए ये आपको बाद में किया कि अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि वो स्पीड में चलते हैं। वो मैंने आपको सिखाया कि लीनियर का आप डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकता है लॉग वन माइनस टी और लॉग टू माइनस टी, बट आपको ये पता होना चाहिए लीनियर का, तभी को लीनियर फंक्शन का आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कोई देखा, बट कोफिशिएंट ऑफ जो भी वेरिएबल होता है उसका डिवाइड करता है। तो जनरली मैंने जो आपको बताया था वो प्लस में बताया था, सपोज टी प्लस वन, उसका कोफिशिएंट वन होता है, वन का डिवाइड करने से कोई आंसर में चेंजेस नहीं आता है, बट यहाँ माइनस वन है तो इसका डिवाइड पूरा आंसर निगेटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव की जगह तो सारा चेंजेस हो जाएगा। तो आप स्पीड में करें बट आप ध्यान रखें, मैं ये जानबूझ के यहाँ पे आखिरी में लगा था कि आप मिस्टेक को देखें कि मिस्टेक है कि नहीं। लेकिन आप लोगों ने, किसी एक बच्चे ने मेरे को टोका कि हाँ सर मेरे को बहुत अच्छा लगे कि आप मेरी चीज़ बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर ये समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन करें, और मैं ऐसा करता जाऊंगा कभी देखें बीच में कि आपको टेस्ट करूंगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं, या मेरी बात को आपने ध्यान से सुना है कि नहीं। ओके अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 18। देखा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू और थ्री और फोर, यही लिखा है बेटा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर जगह एक्स स्क्वायर लिखा है, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखें। ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा बट आपको लगेगा ऐसा कि जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया। कैसे? अगर बेटा अगर मैं बोलूं दिस इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, तो आप क्या बोलेंगे कि ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर। तो बेटा आप जरा देखें, न्यूमिनेटर की डिग्री है 4 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 4, तो आप यही बोलें अगर ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री इक्वल आती है तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आप कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं देन सॉल्व करते हैं। तो आप कन्वर्ट कैसे करें बेटा, आप थोड़े से समय के लिए एक्स स्क्वायर को टी ले लें, मेरी ट्रिक है और आप ध्यान से सुनना, ये कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं बट आपका क्वेश्चन इससे हो जाएगा। ये आपने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, मैं थोड़े से समय के लिए इसको टी माना, ठीक है थोड़े समय के लिए, इसलिए कि आपको जो मैं दिखाना चाहता वो दिख जाए और पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया वो सीख जाए। ठीक है लिख दिया, अब आप जरा देखें दिस इज इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, दिस इज इम्प्रॉपर, तो पहला आपका काम होगा इस इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना, देन आप इसको सॉल्व करेंगे और टी की जगह आप कहीं सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, टी को टी लिखेंगे, आखिरी में जो आंसर आएगा टी की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे, बस इतना सा काम करना है। दिस इज इम्प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, यही है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है कोई दिक्कत नहीं कि डिग्री ऊपर, तो बेटा ये क्या आ जाएगा इधर देखें, ये इसका डिवाइड करेगा, ये टू थ्री टी आएगा, ये टू आएगा, इसका डिवाइड है टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ये फोर है बेटा ना, हाँ तो ये सेवन टी हो जाएगा, ये ट्वेल्व हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसे वन टाइम जाएगा टी स्क्वायर सेवन टी प्लस ट्वेल्व, और इसको माइनस करेगा तो ये माइनस 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 ये फोर टी हो जाएगा और ये माइनस टेन यही होगा, और बेटा इसको आप क्या लिख सकता है वन माइनस फोर
50 प्लस 1 40 प्लस 10 110 अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 यही करेगा इनटू डीएक्स। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा ये देखें बेटा, ये तो सेपरेट हो जाएगा आप 4t प्लस 10 और इसको आप क्या लिख सकते हैं t प्लस 3 और t प्लस 4, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेगा क्या a अपॉन t प्लस 3 और b अपॉन t प्लस 4। पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो पक्का वो पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा, a ये हो जाएगा t प्लस 4 और ये होगा b t प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नीचे लिखने का जरूरत नहीं लेकिन मैं लिख रहा हूँ आपको बार बार पता होना चाहिए, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। आप इसको और इसको कंपेयर कराएं जल्दी से, कांस्टेंट को कांस्टेंट और टी को टी से, तो बेटा 4 इक्वल टू ए प्लस बी, बेटा ए टी प्लस बी टी आएगा तो ए टी टी से कैंसिल, इसका कोफिशियंट 4 है और टी का कोफिशियंट ए प्लस बी, और टेन इक्वल टू बेटा क्या होगा 4 ए और ये क्या हो जाएगा 3 बी, यही होगा। अब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको सॉल्व कर दें यहाँ पे, तो ये की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये 4 ए प्लस बी बेटा इसको 4 से मल्टीपल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे या ओहो ये 4 तो इसको आप किससे कर देंगे 4 से मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 4 16 ये हो जाएगा 4 ए प्लस 4 बी यही होगा, और नीचे वाला क्या है 10 4 ए प्लस 3 बी, ठीक है ऊपर नीचे लिख दिया। अब आप क्या करें माइनस कर दें, ये माइनस 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 ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये बेटा b हो जाएगा, तो b की वैल्यू 6 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी a 6 a इक्वल टू माइनस 2 एंड b इक्वल टू 6, ए एंड बी की वैल्यू आ गई, आप इसमें पुट कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो बेटा जल्दी से देखें, ठीक है बेटा यहाँ तक आ गया ए और बी की। अब क्या करेंगे ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे बेटा, ये डी टी नहीं होगा ये डी एक्स होगा, ये सब कुछ डी एक्स है तो डी एक्स, मैं टी वेरिएबल को चेंज नहीं किया, मैं थोड़े से समय के लिए टी लिया फॉर स्मॉल टाइम, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं बस आपको काम चलाने के लिए मैं ऐसा किया बेटा, बस इसकी वैल्यू आप जल्दी से इसी में रख दें ए और बी, तो आप इसको कैसे लिख सकता है ये डी एक्स से मल्टीपल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अगला 4t प्लस 10 अपॉन टी प्लस 3 और टी प्लस 4 बेटा, ये ध्यान रखना यहाँ पे डी एक्स आएगा ना कि डी टी आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसके बाद, ये बन के तो क्या हो जाएगा एक्स बेटा, इसकी जगह पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे आप, ये ए की जगह क्या लिखेंगे माइनस 2 माइनस 2 अपॉन टी प्लस 3 बेटा, बी की जगह क्या लिखेंगे 6 6 टी प्लस 4 इसको ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या होगा जरा देखें बेटा, अब आपने टी लिया था, अब अगेन इसकी टी की वैल्यू रख दें, ये मैं बार बार टी लिख रहा हूँ गलती बेटा, ये टी की जगह क्या रख दें जो भी वैल्यू रखा था थोड़े समय के लिए लिया था, हाँ उसको आप वापस लिख देगा, तो वापस लिख देगा तो क्या एक्स स्क्वायर 3 बेटा, ये क्या हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर 4, ठीक है इसको बंद। अब आप अगले स्टेप में एक्स बेटा इसको सॉल्व करेंगे प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप रखिएगा रूट 3 का होल स्क्वायर, और बेटा ये 2 कांस्टेंट बाहर निकल आएगा और ये डी एक्स, ये क्या है डी एक्स। अब बेटा ये माइनस का मल्टीपल और 6 कांस्टेंट बाहर और एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और बेटा इसको सॉल्व करेंगे एक्स 2 वन अपॉन ए, वन अपॉन ए यही होता है वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए ए स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस 6 वन अपॉन ए तो 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी बेटा, यहाँ ए की वैल्यू है रूट 3 या ए की वैल्यू 2 बस ये कांस्टेंट बाहर निकाले थे तो ये आपका आंसर, तो ये बेटा ये 3 हो जाएगा और ये एक्स 2 रूट 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 3 और ये माइनस 3 टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी
बेटा ये आपका आंसर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लिया था वो फॉर स्मॉल टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, कब तक, जब तक आप इस फॉर्मेट में ना, आपने देखा टी की जगह मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर रखा, दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ जो वेरिएबल है बेटा ये डी एक्स है, ना कि यहाँ डी टी होगा, अगर टी कर देगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये डी एक्स है ना, तो इसको बदलना है और ना ही कुछ, बस टी आपने इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट किया और आपने एक फॉर्मेट में जमा ए बी की वैल्यू डाली और टी की अगेन वैल्यू, देन आपने आपने आंसर फाइंड आउट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। हो सकता है आपकी बुक में अलग तरीके से उसने किया हो, वो क्या करेगा, इसको इम्प्रॉपर है, इसको बी, इसको कैन नॉट बी फैक्टराइज, कैन नॉट फैक्टराइज, आपको बी एक्स प्लस सी अपॉन उस फॉर्मेट से कराएगा, वो बहुत गंदा है। बट अगर आप इस फॉर्मेट से करेगा तो बहुत आसान, ठीक है बेटा। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स होता है 2x, ऑलरेडी आपके सामने लिखा है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पिछले से अलग है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा डी टी बाई डी एक्स और ये होगा 2x dx, ये होगा डी टी और होगा इसको वैल्यू डी टी से रिप्लेस कर सकता है, ये डी टी होगा, ये क्या होगा टी प्लस वन, ये होगा टी प्लस थ्री, ठीक है ना। और इसको सॉल्व कर देगा तो बेटा ये 1 t + 1 और ये t प्लस यही करेगा ना, इसको सॉल्व, इसको आप लिखे a t + 1 b t + 3, ये 3 है ना बेटा। आप इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको a t + 3 हो जाएगा और b t + 1 हो जाएगा, नीचे को कुछ करना ही, कोफिशिएंट को कंपेयर करा दें तो कांस्टेंट इक्वल टू 3a + b आ रहा और बेटा इसकी वैल्यू क्या रही, a + b इक्वल टू कितना रहा 0, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -b, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ t इज 0 एंड कांस्टेंट इक्वल टू 1, देन 3a + b इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू -b है, तो आप इसकी वैल्यू रख दें -b + b और ये -2b हो जाएगा, ये 1 b की वैल्यू -1/2, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब आप इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें, किस में, इस वाले फॉर्मेट में इसकी वैल्यू क्या है, इसके इक्वल, इसकी वैल्यू है a इक्वल टू 1/2 t + 1 और ये वैल्यू क्या है -1/2 t + 3, यही ना, आपने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी और इसको लिखेगा आप डी टी, यही लिखेगा। और बेटा इसका आंसर 1/2 log t + 1 और ये 1/2 log t + 3 + c, ठीक है। और बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हो ही गया सॉल्व, ये 1/2 log और t की जगह बेटा क्या है x² + 1, 1/2 log x² + 3 + c, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। बस थोड़ा सा काम करना था कि एक्स स्क्वायर को टी लिखना था। बेटा अगला क्वेश्चन देखें 20, 1/x x^4 - 1, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया, 1/x ब्रैकेट में x^n - 1, उसी सेम क्वेश्चन है, बस उसमें n के फॉर्म में था, यहाँ n की वैल्यू उसने 4 दे दी। हमने क्या किया था बेटा, जो हाईएस्ट पावर था उसको टी लिया था, यही किया था, देन डिफरेंशिएट किया था बोथ साइड, डिफरेंशिएट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, 4x³ dx dt आया, और बेटा x³ dx इक्वल टू क्या आएगा dt/4, यही ना, या ये पूरा x³ ही नीचे आ जाएगा, तो आप dx को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt/4x³, x ऑलरेडी लिखा है x^4 को क्या ले लेंगे आप t, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, x^t हो जाएगा और इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा ये देखें, तो x^ ये 4 हो जाएगा और इसकी जगह भी आप क्या ले सकते हैं, ये 1/4 कांस्टेंट बाहर निकलेगा और बेटा इसको हो जाएगा t - 1, बस आप बेसिकली इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, कैसे करेंगे t - 1, इधर देखें इसको आप क्या लिखते हैं a/t + b/t - 1 ना,
बेटा इसको आप कंपेयर कर देते हैं, टी माइनस वन इसका मल्टीप्लेस से हो जाएगा और नीचे सेम आएगा टी टी माइनस वन, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएंगे, वन को इससे कंपेयर करा दें तो बेटा ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, ए टी प्लस बी टी या टी का कोफिशियंट जीरो, सो टी इस यहाँ टी का कोफिशियंट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो और ये माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा वन, तो ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा माइनस वन और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी इक्वल टू वन, तो ए वन आ गया बी माइनस वन आ गया, उठा के इसमें पुट कर दें, पुट कर देंगे वन बाई फोर, ए का वैल्यू माइनस वन और बी का वैल्यू वन टी माइनस वन बटा ये हुआ डी टी, और इसको आप वन बाई फोर और क्या लिख सकता है माइनस लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस वन ब्रैकेट वन प्लस सी, ठीक है। अब आप क्या करेगा बेटा टी की वैल्यू रख देगा टी, तो ये क्या हो जाएगा यार लॉग को सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा टी माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, यही ना, और बेटा टी की वैल्यू वन बाई फोर लॉग टी की एक्स की पावर फोर माइनस वन एक्स की पावर फोर प्लस, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन देखें, इसी अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, आप इसको कैसे सॉल्व करें, आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखें ई की पावर एक्स, अगर ये ऊपर होता तो बहुत आसान होता, ई की पावर एक्स माइनस एक्स आपका आंसर हो जाता, बट ये ऐसा नहीं है, ये नीचे है मतलब डिनोमिनेटर में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ई की पावर एक्स माइनस वन को आप टी ले लें और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और आप देखेंगे इसका आंसर ई एक्स डी एक्स डी टी आ रहा, बेटा डी एक्स किससे रिप्लेस कर सकते हैं डी टी अपॉन ई की पावर एक्स, तो आप बस रिप्लेस कर दो इसको डी एक्स अपॉन टी, डी एक्स अपॉन टी और डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन ई एक्स टी, और ई एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, ई एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं टी प्लस वन और ए टी, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं किसको वन टी टी प्लस वन और ए टी प्लस बी टी प्लस वन, और इसको सॉल्व करेंगे ए टी प्लस वन और बी टी, बेटा ये क्या होगा टी टी प्लस वन, ये इसको कैंसिल हो जाएगा और बेटा अगेन ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा वन और ए इक्वल टू सॉरी ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज कोफिशियंट ऑफ टी यहाँ ए प्लस बी है यहाँ जीरो है और कॉन्स्टेंट इक्वल टू वन और कॉन्स्टेंट यहाँ ए है, तो बेटा ए इक्वल टू माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन, ए इज अ वन एंड बी इक्वल टू वन, आप उठा के इसमें पुट कर दें देन यू गॉट आंसर, देन यू गॉट आंसर क्या वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, यही होगा, इधर देखो मैंने इसकी जगह रख दिया और ये किसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू है और इंटीग्रेट कर दिया तो बेटा ये क्या हो जाएगा लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस वन और प्लस बेटा सी, इसको और सुंदर लिख सकता है आप क्या लॉग लॉग टी अपॉन टी प्लस वन और प्लस सी, और सुंदर लिख सकता है लॉग टी की वैल्यू आप डाल सकते हैं ई की पावर एक्स माइनस वन, यही है ना, और नीचे क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है लिख लें बेटा इसको, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इसके चार ऑप्शन, इसको सॉल्व करना है, ये बेटा एक क्वेश्चन होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, अपन जानता है एक्स एक्स माइनस वन को क्या करेगा ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस टू, यही करेगा, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, इसको बेटा ए और बी की वैल्यू कैसे लाते हैं जरा देखें बेटा, अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू वन, अब वन वैल्यू आप यहाँ रख दो इसमें मत रखना है इसमें, तो वन अपॉन कितना हो जाएगा वन अपॉन वन अपॉन वन माइनस टू इज अ माइनस वन, तो बेटा कितनी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी माइनस, इस पूरे में रखना है एक, अब बेटा एक्स माइनस टू बी की वैल्यू चाहिए तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स वैल्यू आई टू और टू इसमें रख दो आप इसको छोड़ के, टू माइनस वन कितना होगा वन और ऊपर टू आ रहा है तो बेटा बी की वैल्यू क्या है टू, बी इज अ टू और ए इज अ माइनस वन, बस पुट कर दें आप ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू, तो बेटा ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन और बेटा क्या हो जाएगा प्लस
टू अपॉन एक्स माइनस टू, यही होगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन और टू अपॉन एक्स माइनस टू। और बेटा दिस डी एक्स, तो बेटा इसको सॉल्व करेगा क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस वन और टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी। और इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, लॉग लॉग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। ये कहाँ पे है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वन, ऑप्शन बी इज योर आंसर, लॉग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23 अगला और लास्ट इस एक्सरसाइज का, ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ए बी सी टाइप का मैंने अभी क्वेश्चन कराया, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको आप टी लेते हैं, इसको ले लें टी और डिफरेंशिएट कर दें वो साइड ना, या आप डिफरेंशिएट कर दें वो साइड वैसे कर सकते हैं, या आप दूसरे तरीके से करते हैं, ए बी एक्स कैन नॉट बी फैक्टराइज, कैसे कर रहे हैं आप, कैन नॉट बी फैक्टराइज, ये वन अपॉन ऐसे कर दो, आपको पार्शियल फ्रैक्शन से ही बता दे रहा हूँ, ये हो जाए ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। और बेटा ये क्या हो जाएगा वन, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इसका मल्टीप्लस में इसका मल्टीप्लस में, और नीचे सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं है, तो ए प्लस बी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो जीरो। और बेटा अगला क्या है, ए ए इक्वल टू कितना है वन, और बेटा ये क्या बचा ए, और ए सी सी इक्वल टू क्या है जीरो, ए सी और ए इक्वल टू माइनस बी, तो बेटा बी इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है वन, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन, बी माइनस वन ए वन एंड सी जीरो, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें बस इंटीग्रेट, वन अपॉन एक्स बेटा बी और सी बोले माइनस एक्स प्लस जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही ना, डी एक्स कर दें, वन अपॉन एक्स बेटा क्या होगा लॉग एक्स होगा, और बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेगा, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेगा और ये डिफ्रेंशिएट करेगा तो बेटा ये कितना आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा इसका, और आपको यही चाहिए, आपको चाहिए ऊपर एक्स, तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू, तो बेटा एक्स डी एक्स और ये माइनस बाहर निकल आएगा और ये हो जाएगा एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगला क्या हो जाएगा लॉग एक्स, यही होगा एक्स डी एक्स डी टी अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ना, यही होगा, और इसकी वैल्यू क्या लिख देगा आप टी, टी रखेगा कि नहीं, और ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन बाई टू लॉग टी, और टी की वैल्यू क्या लिखेगा प्लस सी, लॉग एक्स माइनस वन बाई टू और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, दिस इज आंसर। अब जरा देखें, लॉग एक्स माइनस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ऑप्शन आपको यही दिख रहा है, दिस ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है बेटा, और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट।